दोस्तों एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ भी उस कथा में आता था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने जब कान लगाकर सुना तो भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपए का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान इसका ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपया पैदा हो जाएंगे। सेठ ने जब यह सुना तो वे कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिलने और उनसे कहा कि महाराज, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं। पंडित जी ने कहा कि श्रोता लोग तो बहुत कम आते हैं, रुपए कैसे आएंगे। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वह हमको दे देना, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। वह सेठ सोच रहा था कि इसको 100 रुपए मिलेंगे, यदि मैं 50 रुपए दे दूंगा तब भी मुझे 50 रुपए का फायदा मिल जाएगा। पंडित जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। पुराने जमाने में 50 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन जरूर करेंगे और इसको 100 रुपए जरूर दिलाएंगे। वे 100 रुपए हमको मिल जाएंगे और 50 रुपए मैं इसको दे दूंगा तो बाकी 50 रुपए हमारा फायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होता है वो सदा रुपयों की ही बात सोचता रहता है। इसीलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे उसने लोभ का ही पलड़ा को पकड़ लिया। दोस्तों कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपए भेंट में आए होंगे। पंडित जी ने कहा कि भाई, आज तो भेंट में बहुत थोड़ी ही आई है, ऐसे रुपए ज्यादा आए नहीं है, बस 5-7 रुपए आए हैं। अब सेठ बेचारा क्या करे, उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। अब लेने के देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपए नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूसा मारा। घूसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया पर हाथ छूटा नहीं, जिसको हनुमान जी पकड़ ले भला वह कैसे छूट सकता है। सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है, वह 50 रुपए देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर हमको देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्ला कर बोला कि हनुमान जी महाराज, हमको छोड़ दीजिए, मैं 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। इस तरह से हनुमान जी ने जो भी कहा था वह सत्य हो गया और वह गरीब ब्राह्मण 100 रुपए पा गया। और जो कंजूस सेठ था उसको कंजूसी का परिणाम भी मिला। जो 1 रुपया नहीं देना चाहता था उसको 100 रुपया देना पड़ गया। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना। और यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।